होटल मोती पैलेस से हमारे भारतीय जनता पार्टी यूथ मोर्चा आगरा महानगर उपाध्यक्ष को किया गया अपहरण करने का प्रयास। राजनीति में सब कुछ संभव है, कोई अपना पराया नहीं होता। कल तक संगठन में काम करने वाले आज नए पद के लिए अपने साथी के अपहरण करने तक पर उतारू हो गया। मामला शुक्रवार का है। भारतीय जनता यूथ मोर्चा महानगर उपाध्यक्ष राहुल आर्य अपने घर पर जा रहे थे तो पुलिस लाइन रोड पर होरिजन कोचिंग के पास कार सवार हथियार से लैस युवा मोर्चा महामंत्री शैलू पंडित, सूरज पांडे, कृष्णा और तीन चार दुपहिया व करीब 10-12 लोगों ने रोक कर गाड़ी की चाबी निकालकर उठाकर गाड़ी में डालने का प्रयास किया, जिसमें राहुल आर्य ने जैसे तैसे बचकर नजदीकी रहने वाले विधायक योगेंद्र उपाध्याय के घर पहुंचकर वारदात की जानकारी दी। उसके पश्चात पुलिस ने छानबीन की और जांच कर अपहरण और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, जिसके बाद से सभी आरोपी फरार है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई जल्द करेगी। चूंकि आरोपी पक्ष भी अपने बचाव के लिए अब पीड़ित पक्ष पर राजीनामे का दबाव बना रहा है। होटल मोती पैलेस से बारिश के चक्कर में 3-4 घंटे से मैं वहाँ रुका हुआ था अपने मित्र शशांक मधोजिया के साथ। जब शाम को ही बारिश कम हुई तो वहाँ से होटल मोती पैलेस से करीब 5:15 बजे मैं अपने घर के लिए निकला, शाहगंज इंदिरा कॉलोनी के लिए कलेक्ट्रेट होते हुए। तो जो होराइजन कोचिंग है उसके पास में जाके एक कार होंडा ब्रायो जिसका नंबर UP80CQ9812, जिस पर महामंत्री भाजपा युवा मोर्चा लिखा था, जिसमें से शैलू पंडित, कृष्णा नाम के 2 लड़के निकले जिनको मैं जानता था, बाकियों के मुँह पे स्वाफियाँ और मास्क लगे हुए थे। इन लोगों ने मुझे पकड़ा और गाड़ी में डालने लगे और बोलने लगे कि डालो इसको गाड़ी में और मार के फेंको। मैं जब अपने हाथ छटपटाए वहाँ से तो मैं पीछे को भागा तो पीछे 2 एक्टिवाओं पर लगे थे 3-4, वो मेरी तरफ आए। फिर जब मैंने लोगों से कहा मुझे बचाओ, ये लोग मुझे गाड़ी में डाल के अपहरण करके ले जा रहे हैं, तो इन लोगों ने फिर मुझे वहाँ पर छोड़ के फिर मैं भागा। मैं अपने विधायक के घर की तरफ भागा, पास में विधायक का घर है, तो ये लोग मेरे पीछे आए। तो फिर जब मैं विधायक घर के लिए मुड़ा तो ये लोग वहाँ पर फिर भाग गए। उसके बाद फिर मैं वहाँ पहुँच गया, मेरी गाड़ी थी। मैं जब वहाँ पर लौटा तो मेरी गाड़ी भी वहाँ से गायब थी। वहीं के लोगों ने बताया कि गाड़ी वही लोग ले गए हैं आपकी। उसके बाद फिर मैंने 112 पर कॉल किया, पुलिस आई। मैंने फिर यहाँ पर थाने में तहरीर दी है इंस्पेक्टर साहब को। अब इंस्पेक्टर साहब जो कार्रवाई करेंगे वो अब आगे इनके पास है। क्या घटना हुई? ऐसा था, मेरा लड़का है क्या है दोपहर को ये मोती पैलेस पर आया हुआ, तो बारिश पड़ने के कारण वो लेट हो गया। शाम को इसे छुट्टी जानी थी, फिर मैंने इसको HR फ़ोन किया है तो ये कहने लगा बस पापा जी पानी बंद होता है सुबह में आता है। थोड़ा सा पानी हल्का हुआ तो ये HR निकला वहाँ से। वहाँ से निकलने के बाद मैं ही इसके आगे जा करके सुंदर पाड़े के पास होरिजन क्लासेस है क्या है वहाँ जा करके इसको HR एक गाड़ी है क्या है जिसमें BJP का झंडा लगा हुआ है, युवा मोर्चा लिखा हुआ है उस पर, और उसमें से 4-5 लड़के उतरे हैं। कुछ है क्या है बाइक पे थे, इसके सर में मारा पीटी करी है और इसको है क्या अपहरण करने के उद्देश्य से ले गए। इसके अंगूठी पहने वो भी छुड़ा के ले गए। जब इसने देखा कि यहाँ पे स्थिति खराब है, जब अपनी गाड़ी भी छोड़ के इलेक्ट्रिक गाड़ी थी, गाड़ी छोड़ करके भी ये भागा है, तो विधायक जी के भागते इसने विधायक जी के यहाँ तक पहुँचा है, फिर वो वापस चले गए। मेरे पास फ़ोन आया तुरंत, है क्या मैं और मेरा छोटा बेटा है तुरंत आया वहाँ पर, देखा घटनास्थल पर, इसने 112 पे कॉल किया तो उस पर है क्या पहुँचे तो हमारी गाड़ी में चली। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे परिवार को, मेरे लड़के को सरकार से सुरक्षा का प्रबंध किया जाए, जिससे कि अगर कोई भी वारदात होती है तो इनके खिलाफ है क्या कार्रवाई की जाए। और ये कौन लोग थे? ये लोग है क्या युवा मोर्चा के गुंडा हैं। ये अपने को शहर अध्यक्ष एक गौरव राजा होता है, उसका संरक्षण चलता है, सागज में चौथ वसूली करता है वो इधर उधर, और एक शैली पंडित है वो कल भी है क्या एक जगह शिमला में ये एक के घर पर कब्जा कराने गया है, वहाँ पे भी ताले वाले तोड़वा करके आया है। ये है क्या है और ये इस पर इन पर यही काम है कि कुछ काम नहीं है, ये है क्या केवल लूटपाट और जगह को घेरना, इनका अवैध कब्जे करना। कहते हैं कि सरकार हमारी है और ये है, और पहले भी ये हमारे घर पर आ चुके हैं, पहले भी इन्होंने हाथापाई करी, उसकी भी CCTV कैमरे के हमारे फुटेज हैं, मगर फिर भी ये नहीं मानते हैं। आए दिन है क्या इस लड़के को परेशान करते हैं। मैं चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार से कि मेरे लड़के को, मेरे को परिवार को सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए सुरक्षा दी जाए। लेकिन देखना ये होगा कि अब तक और पार्टियों पर गुंडा और बदमाशों को संरक्षण देने का आरोप लगाने वाली भाजपा अपने संगठन के इस प्रवृत्ति के लोगों पर क्या कार्यवाही करती है।
चूंकि राहुल आर्य के साथ पहले भी इस तरह की वारदात इन लोगों द्वारा उनके घर पर पहुंचकर की गई थी, जिसमें संगठन के आक्षेप के बाद राजीनामा हो गया था। लेकिन अब दूसरी बार राहुल आर्य के साथ जब यह वारदात हुई है तो संगठन दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करता है? टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए आगरा से आकाश जैन की रिपोर्ट।